मन रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी रेसिपी है नहायत ही आसान सी रेसिपी है। हर किसी की बिरयानी की जो है चिकन बिरयानी की रेसिपी अपनी होती है, तो ये मेरी थोड़ी सी डिफरेंट होगी आप लोगों के लिए। तो चलें इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए हाफ के जी के करीब टमाटर लिए हैं, और तीन जो है वो नॉर्मल साइज़ के प्याज हैं, और एक पूरा लहसुन लिया है। अब इन सारी चीज़ों को जो है हम करेंगे कट, और इन सारी चीज़ों को चॉप करेंगे। सबसे पहले मैंने प्याज कर रही हूँ, स्पीड तो चेक करें ज़रा। ओ हाँ, खैर ये स्पीड थोड़ी सी तेज़ की हुई है, इतनी तेज़ी से मैं नहीं कट कर रही थी। और अब हम टमाटर को भी कट कर लेंगे। उसके बाद प्याज उसका लहसुन का जो है आप लोग पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चॉप करके ही इसको डालती हूँ, क्योंकि इसको इन सारी चीज़ों को हमने गलाना है। तो प्याज लहसुन का जो चॉप किया होगा ये गल ही जाएगा, तो सो मैं ऐसे ही इसको डालती हूँ। चॉप कर लिया है, उसके बाद इन सारी चीज़ों को कर लिया। टमाटर आपको थोड़े लग रहे होंगे, लेकिन मैंने साइड पर कट करके रख लिया था बस दिखाने के लिए। थोड़े से ये तीनों चीज़ें कट हो चुकी हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे प्याज और टमाटर, और अब डाल देंगे लहसुन। इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे बार बार ना एक भी चीज़ डाल के उसके बाद चम्मच चलाने की बहुत आदत है। पता नहीं क्यों मैं बार बार चम्मच क्यों चलाती हूँ, मुझे समझ इस बात की बिल्कुल नहीं आ रही। खैर, उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक, और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे दो ग्लास पानी। दो ग्लास पानी डाल के अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए गलने के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे। ढक्कन लगा दिया, अब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि प्याज और टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। दूसरी साइड पे चावल जो है मैंने 1.5 किलो के करीब लिए, इनको साफ कर लिया, और पानी जो है वो मैंने 4 किलो के करीब जो पानी था वो उबलने के लिए रख दिया। उसमें मैंने डाला एक चम्मच नमक और 5 से 6 अदद हरी मिर्च काट के, और थोड़ा सा धनिया काट के वो भी इसमें शामिल कर दिया। उसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप के करीब सिरका। अगर आपके पास लेमन जूस अवेलेबल है तो आप डाल लें वो भी, क्योंकि इसकी वजह से जो है चावल वो जुड़ेंगे नहीं आपस में। चावलों को जो साफ करके मैंने भिगो दिया है 5 मिनट के लिए, ये भी भिगोए हैं जब तक पानी को उबाला आ जाएगा। उसके बाद चावलों पानी को जो है चावलों में से स्ट्रेन करके तो चावल सारे उसमें डाल देंगे पानी में। और जी ये चम्मच हिला देंगे 1 से 2 मिनट। अच्छा, उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट ही लगते हैं चावल को बॉयल होने के लिए। अगर पानी बहुत अच्छी तरह से पहले बॉयल हो चुका हो तो ये 5 से 7 मिनट लगे हैं। उसके बाद चावल को आप चेक कर लें, एक कनी रहनी चाहिए चावल में, बिल्कुल गले हुए नहीं होने चाहिए। उसके बाद ये मैंने चेक कर लिए, एक कनी ही रहती थी। तो अब हम इसको उतार के तो इसके ऊपर से एक दफ़ा ठंडा पानी गुजार देंगे इसको, जब स्ट्रेन करेंगे इसमें से गर्म पानी। उसके बाद दूसरी तरफ हमारा मसाला जो है वो गल चुका था, टमाटर और प्याज और लहसुन, इनको जो है अब हम कर लेंगे ग्राइंड। सॉरी मैं वो कैप्चर नहीं कर सकी, तो ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद हमने चाहिए होगी फिर से एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1 कप ऑयल डाल के, थोड़ा सा ऑयल को गर्म करके उसमें डाल देंगे जो मिक्सचर मैंने उन चीज़ों का बना मसाला जो मैंने पहले गलने के लिए रखा था उनको ग्राइंड कर लिए। अब इसका मिक्सचर जो है वो इसमें डाल देंगे। ज़रा ध्यान से डालें क्योंकि ऑयल गर्म था, और ये क्योंकि इसके छींटे जो है वो बहुत दूर दूर तक जा रहे थे, इतनी दूर दूर तक नहीं बस मतलब। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे मसाले, 2 चम्मच मैंने लिए हैं लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। थोड़ी सी स्पाइसी चाहिए तो इसमें मैं आप मिर्चें जो है अपने टेस्ट के हिसाब से ही इसमें डालें। उसके बाद जी इनको भून लेंगे। इस सारी बिरयानी की जो प्रोसेस है वो यही है, 30 मिनट यही काम करने का। कोई भी चीज़ जो भी चीज़ डालते जाए, भूनते जाए, डालते जाए, भूनते जाए। और ये इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं, वो भून लेंगे। अगर आपको अपनी अम्मियों को ज़रा सुगड़पन दिखाने के, बच्चे बड़ी सुगड़ है, तो ये ज़रा साइडों से साफ़ करते रहें साथ साथ, क्योंकि अम्मियों को ये बड़ा होता है अगर पतीली साइडों से साफ़ ना हो तो ये बच्चे तो किसी काम के काबिल ही नहीं है। खैर, इन करने के बाद 5 मिनट उसको भी भून लिया। अब हम इसमें मैंने लिया
प्याली जो है वो दही की, तो पानी तो शामिल करना नहीं है, तो इमली में इसी में ही मिक्स करके थोड़ी सी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी इमली वो भी डाल दिए इसमें। इसको भी 5 मिनट के लिए जो इसको भी भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जी चिकन, 1 kg, 1.5 किलो मैंने चावल लिए थे तो 1 किलो मैंने चिकन लिया है इसमें। आप वो ये भी कर सकते हैं कि जितनी क्वांटिटी चावलों की हो उतनी ही आप चिकन ऐड कर लें। तो ये इसको डाल के इसको भी फिर से 5 से 7 मिनट के लिए हम भुनेंगे। 3 से 4 जो अदद है वो मिर्चें शामिल कर दें, तरह ज़रा खूबसूरती वाक़ हो जाती है। और एंड पे जो है हम इसमें डालेंगे, 1 पैकेट मैंने डाला है बिरयानी मसाले का, जो मैंने पूरा नहीं डाला था, थोड़ा सा इसमें से बचा लिया था फिर भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टी बन जानी थी और मसाला भी बहुत ज़्यादा हो जाना था, तो इसे थोड़ा सा बचा लिया था। ओके जी, इसको भी भून लिया। उसके बाद जी ये हमारा मसाला हो गया रेडी बिल्कुल, ये आप लोग देख सकते हैं ये मसाला जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब हम लगाएंगे, चावल भी बॉयल हो गए, अब हम इसकी तह जो है वो लगा देंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा मसाला की लेयर लगाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर चावल। लेयर्स तो सभी को लगानी आती, खैर इस ऐसे ही लगाते जाएंगे सारी लेयर्स, मसाला मैंने डालते जा रहे हैं और लेयर्स लगा रहे हैं, सारी लेयर्स ऐसे ही लगाएंगे। वाली लेयर लगा दी, जो मसाला बाकी सारा था वो इसके ऊपर डाल दिए, और इसके एंड पे इसके ऊपर जो है वो नींबू काट के रख दिए। आपके पास हरा वो है थोड़ा सा, हाँ हरा धनिया भी लगा सकते हैं। मेरे पास पुदीना अवेलेबल नहीं था, खुश्क पुदीना जो करके रखा हुआ था, खुशबू तो वैसी होती है, तो थोड़ा सा वो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी गार्निश कर दिया, उसके टेस्ट तो आ ही जाएगा। और थोड़ा सा कलर मैं पानी में मिक्स करके नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, खैर मैं ऐसे ही करती हूँ, तो इससे भी कलर बहुत ज़्यादा वो फैलता नहीं है, अच्छा लगता है। तो ये जो है बिरयानी आसान सी रेसिपी है, ये रेडी हो चुकी है। इसको बाद आप 5 मिनट के लिए इसको दम लगा दें, उसके बाद आप इसको डिश आउट कर लें। सॉरी मैं इसको डिश आउट नहीं प्रॉपर कर सकी, क्योंकि घर वालों को बहुत जल्दी थी खाने की। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।